हमार बाबा अक्सर एगो बात कस हम सुन ले रहनी, मतलब घर में जब छोट मोट झगड़ा होखे ना तो वो बात जरूर कस, ए मारा मार दबा इ कौना खानदान के आगोली सा हमेशा घर में किचकिच किचकिच गजब हाल बटे। तो नमस्कार, हम बानी जीत कुमार और हम सब चालू कर दिल बनी निस्तक भोजपुरी देखे। तो आज हम बात करल बनी और रिव्यू करे वाला बनी एगो ऐसा फिल्म के ट्रेलर जौन फिल्म के नाम बा ससुरा जिंदा बात। सही सुनते हैं, तो शुरू वाला कहानी के इम्पैक्ट भी एक पूरा फिल्म से हम बताएं और दिखाएं पूरा बारीकी तरीका से। तो बाकी सब कुछ देखे और जाने खातिर रौवा लोग काम करी ना, चैनल बनाए बानी सब्सक्राइब करी, बेल आइकन घंटी जरूर दबाई और बाकी संग मित्र तो ध्यान संग में करके शेयर कर दी। बहुत कंजूसी रौवा लोग करतन जा शेयर और करे में। चलिए हमने वीडियो को चालू कर दिया जा जो ना फिल्म का नाम बा ससुरा जिंदाबाद। एक्चुअली ससुरा जिंदाबाद फिल्म की अगर हमने कहानी की बात कर ली तो कहानी में शुरू में पतोह और ससुर के भिड़ंत होत बा, मने लड़ जाते रह जा टकरा जाते बन जा। अब टकराइला के बाद का होत बा ई चीज़ नहीं खे देखावल गुल। फिर से कहानी आगे बढ़त बटे और पता चलता कि ई लड़की तो हमारा घर में आ गुल और वही घर में अवधेश मिश्रा उनकर ससुर बन रहते रहन, लेकिन ई ससुर के पता नहीं खे रहत कि ई हमार पतोह है। अब उनकर इंट्री कैसे होत बा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बटे। ऐसे कि अवधेश मिश्रा एगो ठीक ठाक घर से रहत बड़न, उनकर लड़का भी बाहर में अच्छा खासा जॉब करत बड़े, तो घर में भाई रहे खातिर और बनावे खाना खाए तो ये सब कुछ करे खातिर एगो नौकरानी चाहिए। अब नौकरानी महंगाई के ज़माना में इतना सस्ता में मिली कहाँ। अब सुभी शर्मा जौन बाड़ी जौन पतोह के रोल कैले बड़ी, एक्चुअली वो घर में घुसे खातिर नौकरानी बन के अपना आप के प्रवेश ले लेत बड़ी और मतलब बिना पैसा के कमे पैसा में काम करे खातिर रेडी होत बड़ी। अब ये बात के लेके इतना खुश होत बड़ी इमें जौन सास के रोल कैले बड़ी किरण यादव। हाँ, वह किरण यादव अक्सर सास के रोल में एकदम से मस्त वाला बेटर वाला और सुंदर वाला एक्ट करत नजर आवे। तो इमें वो कहतरी मतलब जब अवधेश मिश्रा कहते हैं कि लड़की घर में ना रहे के चाहिए करके निकल जाए के चाहिए निकल जाए के चाहिए, तो किरण यादव कहते रही कि ना कुछ हो सकेला लेकिन लड़की ऐसे ना जाए ना जाए ना जाए। जाए कब, जब रहुआ एगो नौकरानी खोज के लिए आई तब। अब एकरा के लेके ये दोनों जना बहुत खींचतान होत बटे और आखिर में सुभी शर्मा नहीं खे जात बड़ी और वही घर में रहत बड़ी और घर में रहते हुए अपन पति के साथ पूरा रंग रलिया भी मनावत बड़ी। अभी सब कुछ बहुत ही बखूबी तरीक़े से बढ़िया वाला अंदाज में चलिए रहत बटे। तब तक कहानी आगे बढ़त बटे और शक हो जात बटे एमें अवधेश मिश्रा जौन ससुर के रोल कर, यानी शक होत बा कि हो ना हो ससुरा तन क्यों केनियो से नौकरानी नहीं खेला, चाहे कर कपड़ा के पहनावा देखो खान पियान देखो मतलब एक से एक गहना सहना देखो नौकरानी तो लागत नहीं। ये जरूर दाल में करिया नहीं के पूरा दल ये करिया लागत बा। अब एक लेके अपन लड़का के रूम तलाशत रहन, ओकरा बाद से कबो कबो तो मान लें कि ससुर के सेवा करे के रह मन करत बाटे सुभी शर्मा के, तो पहुँच जाते गोल मतलब उनकर पावो दबावे। अब एक लेके ससुर जी भड़क जाते बड़न, अब एने इनकर जो सासु माता रहते उनकर जब सेवा करते तो खूब खुश होता रही और सब कुछ अच्छा नॉर्मल चल रहत बा। लेकिन ये बात के अब लागत बाटे अवधेश मिश्रा के कि हमार घर की इज्जत जाए वाला बाटे, तो अपन लड़का के शादी करे खातिर ठान देत बड़न और लड़की भी देख लेत बड़न शादी भी पक्का करत बड़न और नौकरानी के हिदायत देते रहन कि सुन 7 दिन के अंदर तू अपना पति के ना लेके अले तो तू ए घर से तोर विदाई बाटे समझ लिए। अब एक लेके सुभी शर्मा काफ़ी चिंता में पड़त बड़ी कि अब होई का अब कैसे होई। अब एक खातिर वियोग में गाना भी गावे लगत बड़ी और एक दिन घर से छोटका मालिक भी गायब होत बड़न जौन इनकर पति के रोके बड़ा। अब सब कुछ यूनिक चलत रहत बटे, तभी टेलर के एंड में वो कहत नजर आवत बड़ी कि इतुर्प के एक तो हमारा हाथ ही में बटे और टेलर के इन हो जात बा। ये बाटे टेलर में देखावल गई पूरा कहानी के एगो विवरण। अब फिल्म में का हुई का ये पूरा फैमिली मिल जाई और सुभी शर्मा के एक्सेप्ट कर लिहन जा या ना, ये तो वक्त आई तो फिल्म देखला के बाद खुद ब खुद पता चल जी। अब बाकी हम मैं चीज़ कैसे बता दी भाई ना बता पाई हो। ओकरा बाद से अब हमने के बात कर लीजिए फिल्म के मतलब डायरेक्टर साहब के बारे में। एक्चुअली फिल्म के डायरेक्टर बड़न सुरंजन सिंह। हाँ, सुरंजन सिंह महाराज के बारे में बता दी। महाराज कहें कहनी ऐसे कि एगो ना चार चार गो डिपार्टमेंट निभा बन, तो भाई महाराज तो कहें बड़ी। सुरंजन महाराज की फिल्म के कहानी भी लिखल बनी, पटकथा भी लिखल बनी, संवाद भी लिखल बनी और खुद डायरेक्शन भी लिखल बनी। मतलब सुरंजन महाराज राउर दिमाग कहाँ चल गो रहा है। मतलब फिल्म के जौन कहानी बटे वो ए टेलर में इतना टूटत 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 जात बटे कि पूरा फिल्म में कैसे एगो दर्शक के रहूँ 2.5 से 3 घंटा थिएटर में बैठा सकते नहीं, हमके त
तनिक नहीं लागत के बैठा सकतनी। अगर कोनो दर्शक बैठ भी जाई तो अपन कपार नोचते जरूर निकली कही कि हम इतना बड़का गलती कैसे कर देनी और इस सिनेमा हॉल में आके 30-40 रुपया, हाँ 200-300 रुपया बर्बाद कहें कर देनी। वो तो गोल हमारे समैया कहें बर्बाद हो। तो बता दी कि सुरंजन सिंह के ना कहानी में दम बा, ना उनकर संवाद में दम बा, ना ही उनका डायरेक्शन में दम बा, टोटली ये चल रहा बा। बाकी फिल्म का निर्माता बानी रवि कुमार साहब। अभी रवि कुमार साहब ये फिल्म के का देख के अब कैले बानी निर्माता हम के नहीं खे समझ में आवत तनक्यू। बाकी अगर बात कैल जी ए फिल्म के बता दी कि एक्टर के बारे में, तो ए फिल्म में बतौर एक्टर गणेश बाबू बड़ा, हाँ गणेश बाबू ए फिल्म में बतौर एक्टर डेब्यू कैले पड़त और मतलब एक मिनट भी टिक नहीं पौत रहन। मैंने सुबी शर्मा के सामने ऐसा उनका फील होत बोल बा जैसे लागत बा कि उनका सामने बबुआ बाड़न बबुआ, उनकर से कुछ नहीं कह पौत, इतना डरल डरल सहमा सहमा से एक्ट करत रहन, मतलब अजीब लागत बा और गजीब लागत बाटे। हमके नहीं के लागत कि गणेश बाबू के सुबी शर्मा के सामने एक्ट कर चाहत रह कोनो नया आर्टिस्ट खोज ले रहन, तो बल्कि बेटर हो गए। बात कर ली अवधेश मिश्रा के, देखिए अवधेश मिश्रा अपने रोल के बढ़िया तरीका से निभावे कोशिश कर, लेकिन ना उनका एक तरह के कहानी मिल पा ना ही उस तरह के संवाद और ना ही वो चीज़ उनका से लिहल गल बा जबकि एगो और बेटर हो सकत रहा हुए सही बता रहा बने। फाइनली किरण यादव अपन रोल जौन हिसाब से कर ली वही हिसाब से रोल कैले बड़ी, लेकिन फिर भी उनका संवाद के ट्रेलर में कमी आता तो पूरा फिल्म में अब सोच ली कितना कमी दिखी। बाकी आनंद मोहन भी बढ़न, महेश संजय महानंद भी बढ़न, प्रकाश जय भी बढ़न और मिस्त्री प्रिया भी बढ़ी। तो फाइनली ओवरऑल देखा जाओ तो एगो कम चलाओ टाइप के फिल्म बटे। ऐसा फिल्म खातिर अब हमारा लगे बहुत सारा शब्द नहीं बाचल, तब ये कारण बस ए रिव्यू में बस इतना ही रहूँ, लोग देखते रहें ऐसा ही न्यूज़ तक भोजपुरी। बाकी राम जी।